हेलो गाइस, तो आज आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि वो फोटो हम वैसे एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि वैसी फोटो एडिटिंग हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट देखिए, इसके दो प्रोसीड्योर है, जो कि फर्स्ट ब्लर इंक्रीज़ करेंगे, उसके हम उसको एक तो ग्रेडिंग करेंगे, कलर ग्रेडिंग करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग का जो प्रोसेस है वो है हमारा ब्लर को इंक्रीज़ करना। तो ब्लर को इंक्रीज़ करने के लिए फर्स्ट हम लोग चले जाएंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के ऊपर। तो फर्स्ट आप अपना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, जो कि अपडेटेड वर्जन होना चाहिए मोस्ट बी। तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए प्लस का आइकन में क्लिक करके एडिटिव फोटो में जाइए और आपको जो फोटो एडिटिंग करना है वो फोटो को आप पहले इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं इधर अभी करने वाला हूँ, आज मैं कुछ इस टाइप का ये फोटो को आज नहीं 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 ये नहीं तो आज हम कुछ इस फोटो को हम एडिटिंग करने वाले हैं। तो आपको जो फोटो को एडिटिंग करना है वो फोटो को आप इंपोर्ट कर लीजिए। फोटो को इंपोर्ट करने के बाद आप पहले टूल्स में चले जाइए, फिर रिमूव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट का आपको पहले मॉडल है, उसको पहले आपको सिलेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। तो सिलेक्ट कर देने के बाद कुछ सिलेक्ट इस टाइप का सिलेक्ट कर देना है, फिर इधर रिमूव के आइकन में क्लिक कर दीजिए, जैसे कि वो बैकग्राउंड हट जाएगा, देखिएगा। ओके, उसके बाद इधर राइट मार दीजिए। ओके, उसके बाद हम इफेक्ट में चले जाएंगे। इफेक्ट में जाने का हम ब्लर में जाएंगे। उसके बाद ये जो आप लेंस ब्लर देख पा रहे, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद हम और भी हम लोग क्लिक करके उसका रेडियस को बढ़ा देंगे और लाइट को कमा देंगे। ठीक है, फिर राइट मार देंगे। फिर से हम लोग एफएक्स में जाएंगे, हम और ब्लर को इंक्रीज करने से लगना चाहिए पूरा। फिर हम लेंस ब्लर में जाएंगे, फिर ये ब्लर को रेडियस इंक्रीज कर देंगे और लाइटनेस पूरा कमा देंगे। फिर हम लोग टिक मार देंगे। तो गाइस देख पा रहे कितना अच्छे से हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने अपना एड फोटो में जाएंगे और हमारा जो वही फ़ोटो जो हम लोगों ने इंपोर्ट किए हैं वो फ़ोटो हम फिर से ओपन कर लेंगे। ये देखिए गाइस, ओके, ये फ़ोटो हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम रिमूव बैकग्राउंड में जाके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। इसके लिए आपको फर्स्ट पहले नीड कि आपका जो इंटरनेट है वो ऑन होना चाहिए। गाइस देखिए, ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लगा देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इधर जो ऊपर आइकन इधर क्लिक कर देंगे। उसके बाद JPG 3MB का देखिए, इसमें आपको बिल्कुल क्वालिटी कमेगा नहीं। तो सेव टू योर फोटो। ओके गाइस, तो ये हमारा जो ब्लर को इंक्रीज करना था हो चुका है। देखिए पहले कैसा था, देखिए अभी हम लोग पहले टिक मार, पहले इस कंपेयर कर लेते हैं कितना चेंजेस आए हैं। देखिए कितना ब्लर से कितना ब्लर हुआ, ऐसा कितना अच्छा लग रहा था देखने में भी। तो इसके बाद हमारा जो फ़ोटो इंपोर्ट मतलब और एक बार सेव कर पता नहीं हुआ है कि नहीं, तो उसके बाद हम लोग अपना लाइट। तो गाइस हमारा फर्स्ट स्टेप जो ब्लर इंक्रीज करना था वो ब्लर इंक्रीज हम लोग कर चुके हैं। तो अभी हम लोग लाइट रूम में हम लोग कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। गाइस लाइट रूम ओपन करने के बाद जो फोटो आपको ओपन करना, जो एडिटिंग करना होगा फोटो का, आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि हम इसको करने वाले हैं। तो फर्स्ट इसको जो कुछ नहीं, मैं आपको ईजी स्टेप बता रहा हूँ, जो कि पहले हम आपको एक तो प्रीसेट का लिंक दे दूंगा इस प्रीसेट का, जो कि हम यही इफेक्ट को वहाँ डालने वाले हैं। तो इधर हम थ्री डॉट्स में क्लिक करेंगे, यहाँ कॉपी सेटिंग में क्लिक करेंगे, उसके बाद ज्योमेट्री मास्किंग क्लिक करके राइट मार देंगे। उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करेंगे गाइस, उसके बाद पेस्ट कर देंगे गाइस। तो गाइस देख पा रहे हो कितना अच्छा एडिटिंग हुआ है गाइस। तो इस टाइप का एडिटिंग को आप अगर चाहते हैं कि और थोड़ा इसको मतलब कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए, तो आप वहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम कर देते हैं, हाईलाइट्स थोड़ा तो कम ही हाईलाइट्स, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कितना अच्छे लग रहा है देखने में, कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। तो इस टाइप का एडिटिंग को आप और देखने के देख पा रहे हो कितना अच्छा एडिटिंग हुआ है।
तो इस टाइप का एडिटिंग को आप और भी जानने के लिए गाइस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको और दोस्तों को भी इस टाइप का एडिटिंग टिप्स मिलते रहें। और हाँ, आपको अगर स्मूथ करना हो तो यहाँ पर आप डिटेल्स में जाके नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, और कलर रिडक्शन को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो फोटो स्मूथनेस और बढ़ जाएगा। देखिए तो देख पा रहे हैं गाइस कितना से कितना सुंदर दिख रहा है अभी गाइस। तो थैंक यू गाइस, तो हम लोगों को प्लीज़ इस लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।